देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी लगातार जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। वजह एक ही है, जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के द्वारा 2002 और 2004 का जो निर्णय हरियाणा प्रदेश के हक में आया था उसको सस्टेन रखा। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित की थी कि नहर का निर्माण करवाए, परंतु वर्तमान केंद्र सरकार, प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रही है, निर्णय को लागू नहीं कर रही है, इसलिए ये जेल भरो आंदोलन शुरू किया हुआ। मांग एक है कि SYL का पानी, जो हरियाणा प्रदेश का हक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के हक में निर्णय देके तस्दीक किया है, वो हरियाणा प्रदेश को मिले। दादूपुर नलवी नहर, उसका निर्माण हो, मेवात कैनाल, जिससे के मेवात के इलाके को पानी मिलना है वो पानी मिले, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, किसान का कर्ज माफ हो, इन सब चीजों के लिए लगातार गठबंधन प्रयासरत है, आंदोलनरत है। जिस तरीके से हाल ही में यूटर्न लिया है, क्या मानेंगे? ये कोई पहला यूटर्न नहीं है प्रदेश सरकार का। आपने देखा पिछले लगभग 4 साल में ये सरकार लगातार यूटर्न लेती है। मैं तो यूं कहूंगा कि थूक के चार। पहले इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं जो प्रदेश के हक में नहीं होते, खिलाड़ियों के हक में नहीं होते, प्रदेश की जनता के हक में नहीं होते। जब सरकार की फजीहत होती है, चारों तरफ से आलोचना होती है, फिर उस निर्णय को वापस लेने की घोषणा होती है। जो खिलाड़ियों वाली बात आप जिक्र कर रहे हो, आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट के जरिए ये बात कही कि इस निर्णय को होल्ड पे रखा गया है, और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरी जानकारी में नहीं था। ये मुख्यमंत्री का सफेद झूठ है। ऐसा हो कभी नहीं हो सकता बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के कोई नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से हो जाए। मुख्यमंत्री जी ने झूठ बोल के यहां पे भी प्रदेश की जनता को भरमाने की कोशिश की, और इससे पता चलता है कि प्रदेश में सरकार नाम की चीज ही नहीं है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी लगातार जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। वजह एक ही है, जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के द्वारा 2002 और 2004 का जो निर्णय हरियाणा प्रदेश के हक में आया था उसको सस्टेन रखा। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी सुनिश्चित की थी कि नहर का निर्माण करवाए, परंतु वर्तमान केंद्र सरकार, प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रही है, निर्णय को लागू नहीं कर रही है, इसलिए ये जेल भरो आंदोलन शुरू किया हुआ। मांग एक है कि SYL का पानी, जो हरियाणा प्रदेश का हक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा के हक में निर्णय देके तस्दीक किया है, वो हरियाणा प्रदेश को मिले। दादूपुर नलवी नहर, उसका निर्माण हो, मेवात कैनाल, जिससे के मेवात के इलाके को पानी मिलना है वो पानी मिले, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, किसान का कर्ज माफ हो, इन सब चीजों के लिए लगातार गठबंधन प्रयासरत है, आंदोलनरत है। जिस तरीके से